साका नीला तारा की बरसी मनाई गई शांतिपूर्वक। वारस पंजाब के जथेबंदी से कार्रवाई करना होया सार्थक, किया सुरक्षा एजेंसियां। श्री हरिमंदर साहब के नेड़े भारी पुलिस तैनाती ने भी वरताई शांति। अमृतपाल से की कार्रवाई का असर पिया ब्लू स्टार की बरसी से, भारी पुलिस बल तैनात किया गया, तो उसने भी शांति बनाई रखी है। जे गल करिए अमृतसर विखे तो साका नीला तारा की बरसी हमेशा ही एक वड्डा समागम है, पर इस बार साका नीला तारा की बरसी बड़ी शांतिपूर्वक ढंग मनाई गई है। तो सुरक्षा एजेंसिया ने खुलासा किया कि इसका सब तो वड्डा कारण वारस पंजाब के जथेबंदी के मुखी अमृतपाल सिंह कार्रवाई करना है, तो अमृतपाल सिंह कार्रवाई का असर इस बरसी से देखने भी मिले। तो जे गल करिए सुरक्षा एजेंसिया की, तो सुरक्षा एजेंसियां भी पैनी निगाह अपनी उस थान के उत्ते रख रही ने, तो उन्होंने कहा कि जी रखी गई जी सख्त नज़र से तो अमृतपाल सिंह की जी कार्रवाई है, उस तो अलावा एक होर कारण भी ये देखने मिले है कि अमृतपाल सिंह तो गिरफ़्तार किया ही गया, उसते वड्डी कार्रवाई हुई तो उसके साथियों के उत्ते भी कार्रवाई हुई, तो उस तो बाद भी है कि साका नीला तारा की बरसी के समय जी कि 39वीं बरसी से उस दे मौके खासकर श्री हरिमंदर साहब के नेड़े भारी गिणती दे विच जिहड़ा पुलिस बल तैनात किया गया सी। ते जे गल करिए सादे कपड़िया विच पुलिस मुलाजम अते खुफिया एजेंसियां दे जसूस भी जिहड़े सी ओह श्री हरिमंदर साहब के कंपलैक्स अते चारदवारी दे विच तैनात सीगे। ते जे उस दे नाल नाल इह भी है कि कुछ खबरों के मुताबिक यह भी सामने है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी जिहड़ी NIA उहदे वल्लों तैयार की गई एक रिपोर्ट का खुलासा होया कि इस बार अकाल तख्त के श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य प्रोग्राम के 2000 लोगों ने शमूलियत की थी, जो पिछले सालों के मुकाबले घट से। तो जो पिछले सालों की गल करते हैं तो साका नीला तारा की बरसी के मौके के 3000 साढ़े 3000 लोग जोड़े ने, उस तो भी वध लोग ये शामिल हो जाते हैं, पर एक सीनियर अधिकारी के अनुसार ये गल सामने है कि वारस पंजाब के जथेबंदी के उत्ते जी कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई में इसलिए सार्थक मनिया जा रहा है कि ऐतकी जिहड़ा माहौल है बड़ा शांतिपूर्वक रहा। उस दे नाल नाल यह भी सामने है कि जथेबंदी के उत्ते कार्रवाई हुई तो उसके साथियों के जिहड़े अमृतपाल सिंह के साथी से उन्होंने उत्ते भी कार्रवाई हुई, तो अज जिहड़े वह डिब्रूगढ़ जेल के बंद ने, तो अमृतपाल सिंह भी डिब्रूगढ़ जेल के ही इस वेले बंद है। तो इत्थे नाल नाल यह भी है कि इस तो पहला जिहड़ियां बरसियां मनाई जांदियां रहियां ने, जे हाल ही गल कर लीए तो 3-4 साल पहलां दियां, तो उस दे दौरान भी जिहड़े बरसियां उत्थे जरूर मनांदे हरेक साल मनाई जांदी है, पर 2013 तो बाद लै के ते कुछ समा जिहड़ा 16-17 तक का समा रहा उहदे दौरान इस बरसी के मौके उत्थे काफ़ी खड़दुंब जिहड़ा उह पैंदा रहा। इस बरसी के मौके अकाल तख्त साहब के उत्ते काफ़ी जिहड़ी है आपसी खिचोतानी बनी रही, माहौल जिहड़ा बड़ा तनावपूर्ण रहा, तो कुछ समय ऐसे भी रहे ने कि जदों उत्थे तलवारां कृपानां छोरे गंडासे लाठियां भी चलियां ने, तो आपस दे विच श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिहड़ी टास्क फोर्स है अते दूजा जिहड़ा धड़ा है वक्खवादी धड़ा खालिस्तानी धड़ा उन्हां दे आपस दे मतभेदां दे होण कारण उत्थे जिहड़ी है एक दूजे दीआं पग्गां भी लाइया गई ने, तो उत्थे काफ़ी जिहड़ा खड़दुंब है आपस दे विच टकराव देखण नूं मिलदा रहा। तो 2013-14 तो लैके इहनूं कह सकदे आं 16 तक का समा कुछ इदां दा, पर 16 दे विच कुछ माहौल जिहड़ा गरमाया जरूर, पर फिर भी कितें ना कितें थोड़ी शांति जरूर रही, पर फिर भी जिहड़ा वक्खवादी धड़िया ने उत्थे खड़दुंब जरूर मचाया, तो नारेबाजी भी जरूर की। पर हालात जे हुण देखा जाए तो इन्हां सालों के दौरान कुछ ठल इस चीज़ में जरूर पई, पर इहदे दौरान जिहड़ा आ के हुण जिहड़ी आ समें दे विच मिले तो वारस पंजाब दे जथेबंदी दे मुखी पिछले साल तो जिहड़ी उत्थे कार्रवाई बड़ी होंद दे विच रही है, तो उस दे नाल नाल पंजाब दे माहौल विच बड़ी गर्मी वाला माहौल रहा, तो तनावपूर्ण माहौल बनया रहा, तो उस दौरान दे विच पर हुण यह है कि अमृतपाल सिंह नूं गिरफ़्तार किया गया, तो NIA ने खुलासा यह किया कि इस बार साका नीला तारा की बरसी बड़ी शांतिपूर्वक रही है, तो जिसका मुख्य कारण अमृतपाल सिंह की गई कार्रवाई है।